अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर नागपुर चलो अभियान के तहत दुर्ग के राजीव भवन में हुई बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बहस छिड़ गई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ भीतरघात करने वाले पर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। इसी बीच पूर्व विधायक अरुण बोरा और वरिष्ठ पूर्व महापौर के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। दुर्ग के राजीव भवन में बुधवार को एक मामला सामने आया जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर नागपुर चलो अभियान के तहत बैठक आहूत की गई, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान नागपुर चलने और पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर हुई चर्चा के बीच विधानसभा में हुई हार की बात सामने आ गई। वहीं मौजूद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कांग्रेस से भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की, इसको लेकर नारेबाजी भी की। आपको सब पता है, आपको सब पता है, यहाँ लोग पूजाघात किया गया और बोल भी किया गया और घूम घूम के किया गया। तो ऐसे इसी बीच किसी बात को लेकर दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा भी अपने आप को रोक ना पाए और कांग्रेस के पूर्व महापौर और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता से भिड़ पड़े। मामला इतना गंभीर होता रहा कि वो दोनों एक दूसरे पर उंगली दिखाकर अपना आक्रोश जताया। जिसके बाद वहां उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच सवाल और जवाब का दौर शुरू हुआ, जिसमें विधानसभा चुनाव में हुई हार का ठीकरा कांग्रेस के लोगों के द्वारा मिले धोखे को बताया। जिम्मेदारों और साथ ही गद्दारों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज कल 28 तारीख को नागपुर में कांग्रेस की महारैली निकलने जा रही है, जिसमें हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और देश के सभी वरिष्ठ नेता उस महारैली में शरीक होंगे। यह रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी की स्थापना के 139वें वर्ष में किया जा रहा है और पूरे प्रदेश से लगभग 25 लाख लोग उस रैली में महारैली में पहुँचेंगे। दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज इस संदर्भ में बैठक आयोजित की और इस बात को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम नागपुर पहुँचें और इस महारैली में को सफल बनाने में अपना योगदान दें। इसमें हमने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, कहीं कोई किसी ने कमी नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र, उनके झूठ और उनके फरेब के आगे हमको हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के आखिरी दिनों में उन्होंने जो वातावरण बनाया, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया जिससे कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। नहीं तो 5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया। भूपेश बघेल के नेतृत्व में इस प्रदेश ने बहुत से ऐसे कार्य किए जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में नहीं किए जा सकते थे। तो इस बात की भी समीक्षा की कि अब हम लोकसभा
और नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के झूठ भरे और षड्यंत्र से सचेत रहें, लोगों को इस बात से आगाह कराएं कि ये सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और झूठ फैलाकर सत्ता हासिल करने में जिनको महारत हासिल है तो उनसे हमको सावधान रहने की जरूरत। ईवीएम के बारे में भी बहुत से कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकसभा में जो नतीजे आए थे वही शहरी क्षेत्रों में आए हैं, पूरे शहरी क्षेत्रों में ही यही नतीजे आए हैं, तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रस्ताव भेजा जाए। देखिए, हमने भी इस बात को कहा है, जो भीतरघात किए हैं, जो खुलाघात किए हैं उनका मन जानता है, समय उनको जवाब देगा, हम कुछ जवाब नहीं दे सकते। कांग्रेस पार्टी स्थापना के 138 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। कल 139वां स्थापना दिवस नागपुर में मनाने जा रही है, पूरा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और यहाँ छत्तीसगढ़ से भी हमारे बहुत से कांग्रेस के कार्यकर्ता साथीगण नागपुर जाएंगे। उसी संबंध में आज दुर्ग जिला शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक रखी गई थी जिसमें हम सब आए थे और यहाँ से बहुत से साथी कल भाग लेके उस सम्मेलन में आज समीक्षा चल रही है। पार्टी का भीतर का मामला है और उसमें जब चर्चा होती है तो सब एक दूसरे के बात को सुनते हैं और अपनी बात को रखने का पूरे कार्यकर्ताओं को अधिकार है, तो अपनी बात को रखते हैं, उसमें प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे निर्णय लिया जाता है जो भी बात होती है और उसमें आगे क्या करना है। कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ छत्तीसगढ़ में अच्छा काम की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने, उसके बाद भी हमको इस स्थिति का सामना करना पड़ा है, तो उस पर हम आगे कैसे कांग्रेस को और मजबूत करें इस पर चर्चा हुई है। मैंने कहा ना कि जो भी निर्णय होगा, जो भी बात होती है, पार्टी में अपने बातों को रखने का अधिकार सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारी को है और इस पर कोई भी कांग्रेस को आगे फिर कैसे मजबूत किया जाए इस पर निर्णय प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर होगा, यह फिर समीक्षा बैठक। आज राजीव भवन दुर्ग में 138 साल पूरे होने के उपलक्ष में एक बैठक आहूत की गई जिसमें डोनेट फॉर नेशन का कार्यक्रम प्लस 28 तारीख की जो हमारी रैली है उसके लिए कार्यकर्ताओं को लेके जाने की बात हुई नागपुर। ये हमारा मिशन था। आज बहस कुछ नहीं है, कोई कांग्रेस भवन में बहस हो ही नहीं रही है, ये आपस की बात है हम लोग की। हर मुद्दा वहीं जसकता से, हम हारे क्यों, हम जीते क्यों, वहाँ से हम ऐसा हारे, ये आपस की हमारी बात है। नहीं 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 नहीं, हमारे प्रत्याशी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, हर आदमी अपनी पहुँच से काम किया है, दिल लगा के काम किया है। हाँ, ये सत्य है कि हम लोगों ने बीजेपी के झूठ का मुँह तोड़ जवाब नहीं दिया, जो रोहिणिया मुसलमान बसा दिए हैं, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, वो सब इत्यादि चीज़ें जो बोली उन्होंने, उसका हमारे कार्यकर्ताओं ने जवाब देने में देरी कर। नहीं नहीं, हमारे इस दुर्ग का जहां का मैं प्रभारी हूं, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आज बैठक हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो 138वां महाधिवेशन का, जो कल 139वां महाधिवेशन का रैली महारैली होने वाला है नागपुर में, उसका जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक आयोजित किया गया था। यहाँ जो बैठक हुआ था वो कांग्रेस परिवार का बैठक हुआ था, एक दूसरे अपने अपने बात रखे थे, जिसमें कुछ बातें ऐसे भी आए कि वो भीतर घात किया है, वो बाहरी घात किया है, मगर ऐसा है अगर वास्तव में जो बाहरी घात किया गया है उसको बाहर कर निष्कासित कर देना चाहिए और उनको स्वयं निष्कासित हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को ये समझ लिया है कि मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं भाजपा का हूँ करके, इसीलिए भाजपा का काम किया है, तो उसको स्वयं चले जाना चाहिए। यहाँ उनको निष्कासित करने का बेइज्जती सहने से अच्छा स्वयं वो भाजपा पार्टी प्रवेश कर लेना चाहिए। नहीं, समीक्षा बैठक रखी गई थी, साथ में हमारे अधिवेशन की बैठक भी थी और इसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं, माननीय अरुण वोरा जी ने बोल भी दिया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ विरोध में काम नहीं किया है, जिन्होंने किया है उसको ऊपर ईश्वर ही देखेगा। देखिए, ये क्या है, हम लोग आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं परंतु किसी के पास इसका प्रूफ नहीं है कि हमने भीतराघात किया है कि खुला, कुछ एक लोग जो है खुले रूप में किए हैं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, हार जीत तो होती रहती है और हार जीत में जो 3 दिन पहले जो शगुफा छोड़ा गया था भाजपा जनता पार्टी के द्वारा,
उसमें महिलाओं को जिस तरह से भ्रमित किया गया और उस भ्रमित के कारण जो उपद करके जो वहाँ पर जो वोट पड़े हैं और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है ईवीएम के माध्यम से भी हुआ है। तो हम लोग कोशिश की जा रही है, होता है आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे से थोड़ी बातचीत होती है, परंतु हम लोगों ने पुनः हमारे अरुण वोरा जी ने मना कर दिया है कि हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोई भी गलत कार्य नहीं हुए हुए हैं, तो जो भी हुआ है भ्रमित के कारण ही हुआ है। और हमारे जो वरिष्ठ कुछ लोगों ने जो कार्य नहीं किए उन पर भी बोला गया कि आप लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए जिससे हमारी कांग्रेस पार्टी की छवि बनी रहे, क्योंकि सरकार ने जब इतना अच्छा काम किया था तो उसके बाद हमारी सरकार का हारना हमारे लिए भी शर्म की बात है और हमको अच्छा मतलब नहीं लग रहा है कि हमारी सरकार जीतते जीतते जो हारी है, तो कहीं ना कहीं हमें भी कुछ त्रुटियाँ होंगी। यदि हम किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं तीन उंगली हमारे ऊपर बिल्कुल होगी और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जब नाम जाएंगे तभी कार्रवाई होगी, यदि नाम नहीं जाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कार्रवाई करने के लिए जब हमको मालूम है चिन्हांकित है कि किस किस ने गलत कार्य किया है तो उनको बोलना चाहिए और उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना चाहिए, या तो उसको उन्हें निष्कासित किया जाए या उन्हें आला कमान के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसी बात कही जाए कि अगली बार जो चुनाव हो तो उसमें इस तरह के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो नुकसान हुआ है 15-20 सालों में जो हमारी सरकार बनी थी उसका नुकसान इन्होंने जो किया है भीतराघात करके, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में एक हमारी छवि जो बहुत अच्छी बनी हुई थी। सरकार ने जमीन से जुड़ के जो काम किया लोगों के लिए और उस काम के बाद यदि हम नहीं जीतते तो हमारे लिए आश्चर्य वाली बात। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।